गुड इवनिंग अंशु जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है लग रहा। कोई बात नहीं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, लेकिन एकदम क्लियर। मैं अटक गई हूँ कहीं। अरे अरे, मत अटकी है। चलिए कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, अब सही हो गया जी, है ना? तो शुभ मंगलवार। फ्राइडे को हम मिले, सोमवार को हम मिले, और बिना मिस के आज भी मिल रहे हैं, है ना? वेरी गुड। और ये जो है सही में, ये भी सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो वीक है हमारा आखिरी पड़ाव है, ये अच्छा। ये जो सप्ताह है, और फ्राइडे के बाद में फिर राजन सर अभी इसको फिर से वापस वहां पे कुछ लॉन्च करेंगे एक नए तरीके से, और फिर हम मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नए मतलब नए महीने में नई ऊर्जा के साथ और सभी के साथ, है ना? तो अभी हमारे पास 15 मिनट है, और किसी की छोटी छोटी शेयरिंग्स है तो फटाफट फटाफट हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये माने कि जो भी यहाँ बोल रहे हैं सारा कुछ राजन सर वहां पे देखते हैं, वापस से रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसे कि बहुत हम सुने हैं, बहुत बार सुने हैं, ऑब्वियसली मेरा भी शेयरिंग होता था तो मुझे भी लगता था कि राजन सर रहते तो अच्छा होता, मेरी शेयरिंग सुन लेते हैं, उनके सामने मैं शेयरिंग देती तो बहुत मजा आता, ये बात सच है। लेकिन सर ने मुझसे कहा कि मैं देखिए, मैं रखा हूँ यहाँ पर इतने, मतलब कि एक सेशन में उन्होंने दिखाया, कहा कि मेरे पास इतने जर्नल्स है और मेरी सारी शेयरिंग्स मैं लिखता हूँ, जो जो बोलते हैं मैं उसकी सारी शेयरिंग्स को मैं लिख रहा हूँ, उसमें नोट डाउन कर रहा हूँ, और फिर उसमें से वो शफल करेंगे और जैसे जैसे वो एग्जांपल्स लेंगे देंगे बताएंगे, है ना? तो किसी का भी कुछ भी शेयरिंग है, आज का था दिन मंगलवार और था अप्रिसिएशन, भर भर के अप्रिसिएशन। तो किन लोगों ने अप्रिशिएट किया और उनको कैसे कैसे अप्रिसिएशन मिले हैं वापस में, इसके बारे में कुछ अगर आप बता पाते। आज मैं बोलूं कुछ? हाँ बताइए। मैं पुनीता, मेरा कैमरा तो ऑन है लेकिन लाइट बंद है रूम की, तो आप देख नहीं पा रहे हो। आज मैं गई थी लंच पे, तो रेस्टोरेंट में वेटर सर्व कर रहे थे, बहुत अच्छे से सर्व किया, खाना भी बहुत बढ़िया था। मैंने इतना थैंक यू बोला उनको, वो देख रहे थे कि भाई मेरे को क्यों इतना कोई थैंक यू, कैसे कोई बोल सकता है जब वो सर्व कर रहे थे बार बार थैंक यू सो मच, खाना इतना बढ़िया था, आप कितने अच्छे से सर्व कर रहे हो। मतलब वो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उनको इतना, एंड एक्चुअली खाली उनको नहीं, मेरी फ्रेंड्स जो थी, जो एक दो बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में नहीं है, मतलब वो ये क्लास नहीं कर रही हैं, वो भी सोच रही थी कि इस पुनीता को आज क्या हो गया है, इतना थैंक यू बोले, तो वो लोग भी थैंक यू बोलने लग गए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे देखो एक थैंक यू बोलने से वेटर्स लोग इतने खुश हुए कि वो लोग इतने और अच्छे से सब सर्व कर रहे थे हमको, बार बार आ रहे थे, मैम ठीक है ना, गर्म है ठंडा है, आपके लिए कुछ और ला दें, एक डिश हमको थोड़ी कम पसंद आई थी, तो मतलब हमने कुछ कहा नहीं लेकिन उसमें से कोई खा नहीं रहा था, तो बोले आप लोग ये क्यों नहीं खा रहे हैं, तो हमने कुछ ऐसे बोला नहीं कि डिश अच्छी नहीं है या कुछ, बोले नहीं खाएंगे खाएंगे, बोले नहीं अगर आपको कम पसंद आई तो हम चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कम पसंद आई, एक्चुअली कम पसंद आई थी इसलिए कोई भी नहीं खा रहा था वो डिश को, बट ऐसे बोलने में हमको नहीं अच्छा लग रहा था, बोले नहीं मैम हम उसको चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं जरूरत नहीं है चेंज करने की, फिर मैंने फ्रेंड्स को कहा थोड़ा थोड़ा सब लेते हैं नहीं तो उनको भी नहीं अच्छा लगेगा, बट दे वर सो हैप्पी, उनको लग रहा था कि कोई उनके साथ भी कोई अच्छे से बात कर रहा है। फिर हम टैक्सी में गए, टैक्सी वाले को भी अच्छे से ऐसे, बहुत बारिश थी आज बॉम्बे में, तो जब उतरे और हमें बोली इधर है मेरा घर, बोला मैम मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ, ऐसे हमारे बिल्डिंग में अलाउड नहीं है टैक्सी आना,
बोला नहीं कोई बात नहीं, वॉचमैन क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे डांटेगा ना, ऐसे नहीं है मेरे को आपको डांट नहीं खिलानी है। बट ही वॉज सो हैप्पी, फिर मैंने उनको थोड़ा सा टिप दिया तो और पता नहीं, बहुत खुश थे वो और मैं, उनको उनकी खुशी देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। चलो वाह, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग। और देखिए ये छोटे छोटे डिफरेंसेस पता चलते हैं, दिखता है, कहीं भी जाओ, कहीं भी हम किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं या किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो ये हमें वापस मिलता है। हम सोचते हैं अरे क्या वो बोले, वो क्या सुनेगा, लेकिन वो भी उतने खुश होते हैं। हमें कोई बोलता है, कुछ अप्रिशिएट करता है, हमारी तारीफ करता है, जैसे हमें खुशी मिलती है, वो सब भी एक हमारी जो जादू वाली किताब है मैजिक में, एक बुक में, एक चैप्टर में लिखा है ना कि वो भी जो इंसान है वो भी किसी का बेटा है या बेटी है, किसी की बीवी है या किसी का पति है, किसी का बाप है, किसी की माँ है, जो भी जहाँ भी काम कर रहा है, जो हमारे लिए हमारी मदद कर रहा है या कुछ भी है, कोई भी है, ये नहीं है। बिकॉज यहाँ पे इंडिया में हमारा ऐसा दिखता है कि हाँ ये ऑटो चला रहा है, ये बस चला रहा है, ये ड्राइवर है, ये सब्जी बेच रहा है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा है। लेकिन यूएस में, अदर देन इंडिया, कोई भी बाहर के कंट्रीज में वर्क इज वर्शिप है सबके लिए, जो भी काम करते हैं वो उनके लिए पूजा है वो, और वो मतलब उस काम को ज्यादा मुख्यता देते हैं, बहुत ज्यादा उस पर जोर देते हैं। तो वहां पर हम देखें कि वहां पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि अगर वो घर पे आया क्लीनिंग करने के लिए आया तो इक्वली उतना ही अच्छे से आता है, उतने बढ़िया से ही, वो भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहता है, उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलने से अगली बार आएगा भी नहीं। उनके लिए वर्क इज वर्शिप और सब जगह ही, और यहाँ मैं कुछ बोलू और दिखाते हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑब्वियसली हमारे बचपन से हमारे में ऐसे भरा गया था कि हमारे साथ के सर्वधर्म संभाव, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हमें बचपन से हमें बताया गया था, लेकिन अभी भी है ये चीज है हमारे यहाँ पर। तो लेकिन अब जो भी हमको, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम जो भी यहाँ पर हैं और इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में है, इस मैजिक की दुनिया में है हम, तो ऑब्वियसली हम कहीं कुछ भेदभाव कर ही नहीं सकते, और सच में सबके साथ हमारा व्यवहार उतना ही अच्छा हो रहा है और हमें भर भर के वापस मिल भी रहा है ना। हाँ डॉक्टर स्वर्णा जी, आप कुछ कहने। यस यस, मैं ये बोलने वाली थी कि जैसे आप बोल रहे थे इंडिया में नहीं है, तो हम बनाएंगे इंडिया में भी वही कल्चर। एग्जैक्टली इंडिया में नहीं है मतलब कि हमको करना है अभी, चूंकि हम ग्रेजुएट आए हैं यहाँ पर, ये हम सारे शुरू करेंगे, इसको शुरू कर चुके हैं इसको, तो ये फैलने ही वाला है, ये फैलने ही वाला है। कैसे फैलेगा, जिस तरह से अगर आप किसी रूम में परफ्यूम को आप स्प्रे करती हैं तो पूरे रूम में फैलता है उसका खुशबू, जिस तरह से बदबू फैलता है खुशबू भी फैलता है, तो इसे से हम, हमारे ऊपर है कि हम क्या फैला रहे हैं इसको, और ये हमारे को, हमें तो हमने जो शुरू कर दिया है, और जहां भी हो सके हमें, हम ऐसा इतना ज्यादा प्रैक्टिसेस करने हैं कि हमें देख के लोग इंस्पायर हुए और खुद शुरू कर दें वो सारे प्रैक्टिसेस। हम किसी को यहाँ पर बदल नहीं सकते हैं, हमें यहाँ पर खुद अपने बदल सकते हैं, खुद को बदलेंगे तो हमें देख करके लोग बदलेंगे। हम यहाँ सोचेंगे कि हम आज इसको बदल दें उसको बदल दें, तो पलट के ये पूछते हैं कि आप ये प्रैक्टिसेस करते हैं मैडम, आप क्या क्या प्रैक्टिसेस करती हैं जरा बताइए, है ना। तो हम क्यों बताएं कि हम क्या कर, जो लोग पूछे कि मैम आप क्या प्रैक्टिस करती हैं, आप इतने खुश कैसे हैं, आप इतना एकदम हमेशा देखो तो इतने एनर्जी में कैसे रहती हैं, इसका राज क्या है, बोलते हैं ना चलते फिरते सबको पूछते हैं, ब्यूटी क्वींस को सबको, आपकी सुंदरता का राज क्या है मैम, उसी तरह से हमें पूछेंगे कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, आपके काम इतने अच्छे से आते हैं इसका राज क्या है, तो हम बताएंगे कि बस जैसे उस दिन बता रही थी ना वो हमारी प्रमीला बता रही थी कि वो हर पैथी को देख ली तो हम जी पैथी में चल रहे हैं अभी। व्हाट इज दिस जी पैथी, इज ग्रैटिट्यूड पैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, ये पैथी, वो पैथी, यार इन। और रुचि जैन का मुझे बहुत अच्छा लगा कि देख लेना कि जी पॉजिटिव है कि नहीं, सबसे पहला देखना वो जी पॉजिटिव है कि नहीं, क्या पॉजिटिव है, ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये दो चीज मैंने पकड़ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका शब्द। और आज एक चीज और हुई वो भी बताना चाहूंगी, आई टोल्ड यू आज बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में, तो यहाँ सड़क पे अम्ब्रेलास बेचते हैं, तो एक करीब 10-12 साल का बच्चा था, वो अम्ब्रेला बेच रहा था, खुद भीगे जा रहा था। एक्चुअली सच्ची बताएं तो मैंने कोई एक एड या कुछ देखा था, उसमें एक वो आई थिंक एड ही था, वो आदमी उससे छाता एक लेता है, पैसे देता है और फिर छाता खोल के उसी को दे देता है कि तू भी तो छाता तू बेच रहा है लेकिन तू खुद इतना भीग रहा है। मेरे को वो एड तुरंत ध्यान आया, मैंने
टैक्सी रोकी, मैं बोली मेरे को एक छाता खरीदना है। उसने बोला 400 रुपया। ऐसे 400 रुपया? बोला अच्छा मैम 350 दे दीजिए। ऐसे नहीं ठीक है, मैंने 400 रुपया दिया। तो मैं बोली छाता जरा खोल के तो दिखाओ। तो छाता खोला उसने, तो ऐसे बच्चे आप तू ले ले ये छाता, भीग मत, छाता बेच रहा और खुद इतना भीग रहा है। उसके आंख से आंसू आने लग गए मैम, वो इतना रो रहा था मैं आपको क्या बताऊं। 10-11 साल का बच्चा होगा। आई फेल सो गुड, आई फेल सो गुड। और ये बात मैंने कोई एक एड देखी थी, एड था कि कोई ये व्हाट्सएप पे इतने सारे आते रहते हैं ना मैसेजेस, तो उसमें देखा था। तो उस समय से मेरे दिमाग में ये था कि देखिए मतलब इट इज सो नाइस, जो छाता बेच रहा है खुद इतना भीग रहा है और छोटा बच्चा था। तो वो करने के बाद तो आज मुझे ना ऐसे बहुत तो अच्छा लगा, बहुत आप अच्छा जो देंगे आपको भर भर के वापस मिलेगा। तो कहीं मैम जैसे कहती हैं कि कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा, जो देंगे। और ये हम एक देखे हमारे वहाँ पे झारसुगुड़ा में हमारे एक कल्चर था, हमारे हम तो सर मारवाड़ियों के बीच में रहते थे, अब सारे लोग वहां पर, इसमें ये था कि गर्मियों में वो चप्पलें और छतरी जरूर देते, ये बहुत। और एक प्याऊ लगवाते थे, पानी का प्याऊ खुलवाते थे हर एक। उनका देखा देखी मैं भी मतलब शुरू हो गई थी, तो वहां पर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ कल्चर है हमारा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना अच्छा लगता था वहां पर, क्या बताएं। हाँ ताराचंद जी, आप कुछ मैडम थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है सबका, बहुत लोगों का म्यूट पे अनम्यूट है, तो म्यूट करके फिर बात करें। हाँ, जो लोग नहीं बात कर रहे वो लोग सब म्यूट हो जाए। एक्चुअली राजन सर को अनम्यूट करते ही नहीं है, तो हम मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है कि खुद ही लोग अवेयरनेस में आए और म्यूट करें अपने आप को ज्वाइन करने के बाद, तो अच्छा लगेगा। जबरदस्ती का अनम्यूट अनम्यूट करो तो मजा नहीं आता है, वो फ्लो मेरा बोलने का और किसी के सुनने का फ्लो खत्म हो जाता है। इसमें ध्यान पूरा रहता है, म्यूट करें अनम्यूट करें, म्यूट करें अनम्यूट करें, इसी में हम रह जाते हैं। तो जिस मुद्दे को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं, जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, वो वहां से ध्यान भटक जाता है ना। तो ये लेकिन बहुत से लोग अनम्यूट होते हैं तो डिस्टर्बेंस भी होता है शेयरिंग में। सही बात है। आज को कितने दिन हो गए हम यहाँ जुड़ते हुए बताइए, आज को कितने दिन हो गए हैं। अब हर दिन का यही, ये पहला सेशन नहीं है, दिन में ऐसे 5-6-7 सेशन होते ही रहते हैं, सब में यही धंधा है। तो ठीक है, कुछ को पकड़ेंगे कुछ को छोड़ेंगे, है ना, सब अपने बस की नहीं है। जी ताराचंद जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग अंशु जी। गुड इवनिंग। मैंने एक बहुत अच्छी बात किसी से सीखी थी तो मैं अपने ग्रुप में शेयर करना चाहता हूँ, ताकि दूसरे लोग भी, सब लोगों को उससे कुछ फायदा हो। हर इंसान को ना एक 10 लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी के। 10 लक्ष्य मीन्स 0 to 1, सॉरी 9 to 0। हेलो, आई एम ऑडिबल? बोलिए। हाँ, आप लिखना चाहती हैं? हाँ मैं लिखी लूँ, आप बताइए। हाँ जी, 10 लक्ष्य होना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम 9 to 0। 9 to 0। नंबर 9 पे 9 ग्लास पानी पियो। नंबर 8 पर 8 घंटे की नींद करो। नंबर 7 पर आपका ड्रीम होना चाहिए 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड घूमने के लिए। 8 आवर्स सोना, स्लीप, या स्लीप, 7 वंडर्स टू सी, टू सी, ओके ओके। 6 डिजिट की इनकम होना चाहिए। 6 डिजिट की इनकम, वेरी गुड। 5 डेज ए वीक वर्किंग होना चाहिए। 5 डेज अ वीक वर्किंग, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। 4 व्हील ड्राइव होना चाहिए। 4 व्हील ड्राइवर, फोर, अच्छा, 4 व्हील ड्राइव कार, मींस लाइक लैंड क्रूजर और प्राजो, एनीथिंग, 4 व्हीलर होना चाहिए। या 4 व्हीलर ड्राइव। 3 बेडरूम का फ्लैट होना चाहिए। 3 BHK, ओके। 2 प्यारे बच्चे होना चाहिए। 2 बच्चे, है ना, बहुत अच्छी बात बताई आपने, मैं तो इसको लिख रही हूँ। एक प्यारी सी बीवी होना चाहिए। एक प्यारी बीवी, वेरी गुड। और जो जो जेंट्स यहाँ पर अपने लिए पत्नी लिख रहे हैं, अपने जेंट्स है जो बीवी लिखिए, और जो लेडीज हैं पति लिख लीजिए। और लास्ट में 0 टेंशन, 0 टेंशन। वाह जी वाह, सुपर सुपर, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। तो 7 और 6
सेवन और सिक्स रिपीट कर दीजिए, सेवन और सिक्स रिपीट कर दीजिए। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखने का, और सिक्स डिजिट की इनकम होना चाहिए आपकी। सिक्स जिन्होंने नोट किया वो पाया, और जिन्होंने नोट नहीं किया उन्होंने खोया। क्यों? रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हैं ना, ये आकाशवाणी है और एक ही बार बोलता है इसमें। अच्छा अंशु जी, इसमें सिर्फ मेरा एक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सब कंप्लीट है। ओके, कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ आप बताइए। कौन सा मतलब कि आपका कंप्लीट नहीं हुआ है आप बताइए। सेवन वंडर, सेवन वंडर, यस यस। ओके, होपफुली हमारा भी ऐसा ही है कुछ लग रहा है। या सेवन वंडर्स बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गया, बाकी सब कंप्लीट है, सेवन वंडर्स बाकी है। हाँ, जीरो टेंशन भी हो गया कंप्लीट, सब कंप्लीट है, सब एकदम मस्त है। मैजिक की दुनिया में आने के बाद किस किस इंसान के पास टेंशन बचा भी ये बताओ, है ना? बचना नहीं चाहिए, शेयरिंग करनी है। आई डोंट नो, मैं अपनी जानता हूँ, दूसरों के बारे में मैं नहीं कह सकता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मुझे शेयरिंग करनी है। हाँ जी, आज मैं ना हमारे फ्लैट रजिस्ट्रेशन करने के लिए गई थी, वो 3 साल से वो काम रुक गया था लेकिन आज हो गया। और वहाँ पे रजिस्टर ऑफिस में मैं गई तो उधर फोटो लेते हैं ना, तो मैं ऐसे स्माइल कर रही थी और बाकी सब लोग ऐसे सीरियसली फोटो दे रहे थे। तो मैंने बाद में देखा कि मेरी जो फोटो है उस पे स्टैम्प पे वो बहुत अच्छी हंसी हुई आई है। और जो भी ऑफिस के लोग है, पहले जब हम गए थे तो बोल रहे थे कि सर्वर स्लो है स्लो है, तो मैंने उधर बैठ के ग्रेटिट्यूड किया सर्वर को, ग्रेटिट्यूड वो जितने भी वहाँ पे काम कर रहे हैं लोग उसको ग्रेटिट्यूड, और मैग्निफिसेंट आउटकम किया कि आज तो हमारा काम हो ही नहीं ही वाला है, हो ही जाएगा ऐसे। और वो हो गया 5 बजे के करीब, वो हो गया काम। मैं एक देखी हूँ कि कहीं भी, अब मैं जब से मतलब कि हाँ अभी अभी डेलिबरेटली उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, हमेशा स्माइलिंग रहेगा फेस, सभी कहीं भी जाओ हंसो हेलो बोलो सबको। तो मेरी शादी के नए नए में, और अभी अभी तो आदत पड़ गई मेरे हस्बैंड को, लेकिन वो कहते थे कि यार तुम जिस जिसको देखते हो बातें कर लेते हो, जिसको देख लेते हो हंस के बातें कर लेते हो, कोई वो कोई भी हो इमटेरियल, वो कोई भी एक्स वाई जेड इंसान हो सबसे बात कर लेती। तो एक सब्जी वाले के पास जाते थे, एक दिन तो उन्होंने सब्जी ही नहीं दिया, बोला कि बिटिया को लेकर आओ तभी सब्जी देंगे जाओ। फिर वापस आ बोले तेरा दादाजी उधर जाए ना चाचा जी, वो तो सब्जी ही नहीं दिया मुझे, चलो वापस चलो तुम करके। तो क्या है, वो जब जाते थे तो वो अपना बिचारे पूरा बताते थे, बच्चे ये हैं, मेरी बेटी का शादी है, तो ये वो सब जितना अपना अपना कहानी बताएंगे और सब्जी देंगे। हाँ चाचा सुन लिया, हाँ हाँ बोले, तो ही फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक दिन ये अकेले चले गए तो बोले कि अरे बिटिया नहीं आई है, जो ले आओ पहले एक बार, उसके बाद हम तब तक निकाल के रखते हैं सारा, घर के बगल में ही हुआ करता था। तो इन दैट वे आई रिमेम्बर। तो कहने का है कि किसी को भी कहीं भी जाओ एक स्माइल दो वहां पर, पहले जाके हंसो वहां पे, एक हेलो बोल करके हंस के उसको वेश करो वहां पर, जैसे कहीं किसी ऑफिस में कहीं पर भी हो, एनी वेयर इमेटेरियल एनी वेयर, फिर उसके बाद उसका वंडर देखिए किस तरह से काम बनता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, ये हम हमेशा करते हैं और मेरा सब काम हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, बहुत बढ़िया से होता है। जीता हाँ, अच्छा अब तो म्यूट कर ही लीजिए क्योंकि अब हम सेशन शुरू करते हैं, है ना? और चूंकि ये आखिरी सप्ताह है तो हमें और जोश में रहना है। जैसे हम जब एंटर किए थे जिस वीक, बड़े जोश के साथ आए थे, क्या होने वाला है क्या होने वाला है क्या होने वाला है, उसी तरह से अब जो एंडिंग है हमें रौंडा बन, हर एक बुक में जब चैप्टर्स एंड होते हैं, जब वो पूरा एंड होता है बुक के अंत में ये बताती है कि जैसे जादू की किताब हमने पढ़ी थी तो उसमें भी उन्होंने बताया था कि अपने जादू को याद रखना, भूल नहीं जाना नहीं बोली उसने, उसने क्या कहा याद रखना, कभी उसे नहीं ये नहीं कहा कि भूल जाना नहीं नहीं भूलो इसको ये मत, वैसा नहीं बोली, बोली कि याद रखना। इसी तरह से आज भी हमें याद दिला रही है कि इस वीक में हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस उसको जारी रखने हैं, प्रैक्टिसेस करने हैं, डरना नहीं है कि अरे ये छूट गया वो छूट गया अब कितना करेंगे, सुबह से लेकर रात तक क्या यही प्रैक्टिसेस करेंगे, बाकी का क्या काम होगा, नहीं, छोटे छोटे सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस है। मंडे को हमने ये करना है, ट्यूजडे को हमने ये करना है, वेडनेसडे को हमने ये करना है, इस तरह से करते करते पूरा पता चला अरे वाओ आई एम सो हैप्पी मंडे टू सैटरडे, और संडे को बैठ करके
जैसे हम आराम से रिलैक्स होकर के चित्रहार देख लेते हैं, उसी तरह से आंखें बंद करिए और मंडे टू सैटरडे की जो जो प्रैक्टिस है, जो जो अच्छी अच्छी घटनाएं घटी हैं, एक चलचित्र की भांति विजुअलाइज करिए, चित्रहार देखिए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। एक बार आजमा के देखिए। हम तो बहुत इसको करते थे, हमको मालूम नहीं था बचपन में, हम बहुत हर चीज को विजुअलाइज, प्रेमचंद की जितनी कहानियां मैं पढ़ी हूँ सबको मैं विजुअलाइज कर, दो बैलों की कथा बहुत छोटी सी थी, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद की कहानी तो सभी जानते हैं, यहाँ पर कौन नहीं जानता, ऐसे हिंदी की किताब में सबसे पहला आता है दो बैलों की कथा, उसको जब पढ़े हीरा और मोती, लगा कि हीरा मोती एकदम चले आ रहे हैं, एकदम गले में घंटी बंधी हुई है, वो टन टन की आवाज आ रही है, मेरे कानों को सुनाई देता था, मैं छोटी सी थी लेकिन आई कुड विजुअलाइज। एक ये होता था, पोएम होता था, हवा हूँ हवा में बसंती, हवा हूँ सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, और जब मैं वो पढ़ते थे वहां पर, क्योंकि बुक आता था हमारा लिटरेचर का, तो सबसे पहले हम लोग कविताएं रट लेते थे, कविताएं रट लेते थे, और उसको वो जब सुन रहे थे लग रहा कि अच्छा हवा चल रहा, हम उड़ रहे हैं उसमें। उसी तरह से एक और कुछ कुछ कविताएं, कुछ कुछ याद रह गया है, क्यों? क्योंकि हमने विजुअलाइज किया उसको। और एक था पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी बाला के बिजबारी को ललचाऊं, चाह नहीं, मतलब होते होते आता है कि लास्ट में आता है कि मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर देना तो फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो उस वक्त ना वो आंख बंद करके वो विजुलाइज होता था कि वो एकदम सिपाही चले आ रहे हैं परेड करते हुए, एकदम लेफ्ट राइट कर, जैसे उसको स्कूल में परेड कराया जाता था इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि आप जब विजुअलाइज करेंगे ना, एक चलचित्र ऐसा चलता रहेगा। चलचित्र क्यों बोले हैं? वो चित्र चल रहा है, नहीं चलेगा तो वो एक आपका एक जो विजन बोर्ड इज वो विजन बोर्ड है। चलचित्र मतलब सिनेमा जो चल रहा है हमारे आंख के सामने में, जस्ट विजुअलाइज, इसके बाद ये सीन आया, वाह इसके बाद ये, वाह इसके बाद ये, कभी नहीं भूलेंगे। दिस इज अगेन अ प्रैक्टिस, कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो आज का जो है हमारा वेडनेसडे सुविचार, आज का विचार क्या है, क्योंकि आज मंगलवार है, आज हम वेडनेसडे का विचार पढ़ेंगे और उसके बाद में कल हम जो है उसका प्रैक्टिस सुबह से शुरू करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी के साथ में हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आज कोई बुक शेयर कर पाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल मेरे लैपटॉप से हो नहीं रहा है और मैं अपने निकाल के रखी हूँ, अगर कोई शेयर कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एक एक रीड करके मैं खुद ही रीड करूंगी और मैं बता दूंगी। क्या बुक कोई शेयर कर पाएंगे जितने भी हैं? कोई मैडम अगर चाहिए तो मैं बुक से रीड कर सकता हूँ, बुक मेरे पास भी है। बुक आपके पास में है, आप बुक से रीड करिए। अगर यहाँ में मेरे ख्याल से सबके पास बुक अगर है तो आप अपने अपने किताब को खोल के बैठेंगे तो अच्छा होगा। यस गिव मी वन मिनट, आई विल ब्रिंग। हम नहीं कर पा रहे, इसे पता नहीं क्या हुआ, वो बुक शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। अंशु जी नमस्कार, आप मेरे को कोर्स बनाइए, मैं कर देता हूँ। जी 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 ओके, थैंक यू सो मच आचार्य जी। हाँ वेलकम जी, वेलकम जी। मेरी आंखें हमेशा आपको ढूंढते रहती हैं हर सेशन में। मैं इसलिए अपने आप को म्यूट करके बैठा, मैं आपको सुनता हूँ फिर बातें शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आप अपना करते रहिए, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आचार्य जी अभी अलादीन का चिराग हो गए, देखो उस वक्त की जरूरत थी आचार्य जी की और उसी वक्त आ गए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया आचार्य जी, बाप रे, शुक्रिया, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपका कल वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को ताराचंद जी, पुराना वीडियो आपका 10 साल पुराना, वो 10 साल पहले का था लेकिन अच्छा लगा, लेकिन आप लग नहीं रहे कि 10 साल पुराना है वो। हाँ आज भी ऐसा ही दिखता हूँ, आप आज भी ऐसी क्या बात है, ये भी एक ब्लेसिंग है, ये भी एक ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू। जो आपने बोला ना जीरो टेंशन जब हो जाती है तभी ऐसा होता है, राइट, और ये आप बोल सकते हो, हम तो अभी बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, आप बोल पाते हो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं एक्चुअली परसों की क्लास में राजन सर ने पूछा था कि टीवी पे कौन कौन आया है, तो मुझे याद आया था कि हम लोग भी हम लोग टीवी पे नहीं आए थे, टीवी वाले हमारे घर आए थे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि टीवी वाले हमारे घर आ गए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगी यूट्यूब में, है ना आचार्य जी। डे 360 है आज। हाँ बस तब तक आप शुरू कीजिए, कहानी सुना रहे थे तब तक मैं शेयर करता हूं। हाँ मैं कहानी सुना रही थी बिल्कुल, आज ही मेरे पास में आया और वो कहानी मेरी भी नहीं है, आरजे कार्तिक की है, और आरजे कार्तिक से अगर आप अब से वाकिफ हैं कि तो नहीं तो इसका रील्स आते रहता है इनका, और बहुत बड़े अच्छे मतलब की रेडियो जॉकी है वो तो। लेकिन हम जब आकाशवाणी में काम करते थे तो हमें रेडियो जॉकी नहीं बोला जाता था, बकायदे हमें अनाउंसर बोला जाता था वहां पर, है ना। तो उनका एक छोटा सा स्टोरी ये था कि एक रेस्टोरेंट में एक इंसान, मे भी आप लोगों ने सुना ही होगा या बहुत लोग नहीं भी सुने होंगे या कुछ भी, जो भी जैसा भी हो, आज मुझे सुन जरूर दीजिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो एक इंसान
एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गया और लगातार वो एवरीडे ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए वो उसका ऑफिस बगल में होता था तो वो जाता था खाने के लिए। तो ऐसा हुआ कि वो 3 दिन से नोटिस कर रहा था कि एक इंसान डेली आ रहा है, खा करके जा रहा है। वहां पर काफी भीड़ होती थी, वो इंसान आता था, खा के चला जाता था। तो ये जो बैठा उसको वॉच कर रहा, हम तो जाके बैठते तो हम सबको देखते हैं ना चारों तरफ, ऐसा नहीं होता कि गए खाए पे ऑर्डर करके चले आए, नहीं, पहले तो हम सब पूरा निरीक्षण करते हैं, मैं तो देखती हूँ। तो फिर निरीक्षण किया तो वो जाकर के अपने होटल के उसके रेस्टोरेंट के मैनेजर को, जो ओनर है, उसको बोलता है कि ये जो इंसान है देखो, ये पिछले 3 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये डेली आता है, आके खा के जाता है। तो उसके मालिक ने कहा कि हाँ, मैं भी जानता हूँ कि ये डेली आता है, आके खा के जाता है। और ये पता है क्या करता है, ये वहां में जाकर के सड़क के किनारे वहां बैठ करके भीख मांगता है। बहुत 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 ये जो भीख मंगा भी है, जो भीख भी मांगता है, तो ये बहुत पैसे वाला भी ये है, बहुत पैसे हैं इसके पास, लेकिन भी आता है। तो फिर आप ऐसे कैसे छोड़ दिए उसको आकर के, वो खा के जा रहा है, तो ऐसे कैसे आपने छोड़ दिया? बोले नहीं, मैं जान के छोड़ा हूँ उसको, कि कोई बात नहीं है, वो एक इंसान अगर वो खा के चला जाएगा तो मैं चाहता तो उसको पकड़ लेता, उसको ना तो भगा देता, या उसको पकड़ के पुलिस में ये करा देता, अंदर बंद करवा देता, या उसको मारपीट के भगा देता, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ठीक है, खा के जा रहा, कोई बात नहीं, खाने दो, मुझे भी पता है वो रोज आता है, ये आज ये 3 दिन से नहीं है, हर दिन आता है, खा के जाता है। तो फिर एक होता है ना उत्सुकता, एक होती है हर एक इंसान में, एक उत्सुकता होती है। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो आखिर? तो मालिक ने क्या जवाब दिया, ये बहुत बड़ी बात है। मालिक ने कहा, एक दिन वो आ रहा था तो वो दुकान के बाहर, वो रेस्टोरेंट के बाहर बैठ करके बड़े एकदम शिद्दत से प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना की होगी? कि भगवान, प्रभु, इस रेस्टोरेंट में इतने भर भर के लोग आए, इतने भर भर के लोग आए, इतनी भीड़ इकट्ठा हो कि मैं चुपचाप उसके अंदर गया, मैं खा पी के चला आया, किसी को पता भी ना चले। प्रभु, इसमें इतनी, मतलब इतनी भर के भीड़ आए इस होटल में खाने के लिए, रेस्टोरेंट खाने के लिए, कि मैं चुपचाप गया, खा के आया, मुझे कोई देख भी नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बोला कि जब ये बोला और आज जो ये रेस्टोरेंट चल रहा है, इस ये जो इंसान है, इसके प्रेयर की वजह से ये चल रहा है। ये क्या बोला प्रेयर? प्रेयर क्या था कि प्रभु, इसके रेस्टोरेंट में बहुत लोग आए, बहुत भीड़ इकट्ठा हो कि मैं अकेला इंसान खा के चला जाऊंगा, किसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसकी प्रेयर के चलते मेरा दुकान बढ़ रहा है। तो ये अकेला इंसान अगर खा के चला भी जाता है तो मैं इसे नहीं रोकता हूँ, क्योंकि आज जो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है इसकी वजह से। जब वो आरजे कार्तिक जब बीच में पॉज किया कि क्या हो सकता है, तो मुझे लगा कि ये तो वहां जा करके ये तो खा के जा रहा है, तो लोगों को बोलता होगा कि वहां पे खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, हो सकता है यही बोला होगा कि वहां बहुत खाना बहुत बेहतरीन, हम जब क्या बोलते हैं कि बहुत खाना अच्छा है वहां का, बहुत बढ़िया, एक बार ट्राई करो रेस्टोरेंट को, बहुत बढ़िया है करके। मुझे लगा ऐसा कुछ बोलता होगा, सब भीख भी मांगता होगा, सब जो के खाने के लिए तो बोलता भी होगा। लेकिन जब ये कंक्लूजन ये था तो मुझे लगा कि वाकई में वो उसका मकसद कुछ और था और कुछ और हो रहा था यहाँ पर। और लेकिन एवरीवन वर सैटिस्फाइड कि सबको सब कुछ मिल रहा था। तो कहने का है कि हम अगर किसी को देते हैं जो देंगे वो हमें भर भर के मिलता है, जो हम जिसको देंगे वो भर के मिलेगा। होटल वाले ने इसको दिया खाना, भर के दिया, कभी एक दिन रोका टोका नहीं, उसको भर भर के भीड़ मिला, भर के मिला उसको। इसने दिया, इसने प्रार्थना की, इसने खाना खाया और भगवान इसको भर के मिले, तो उसने क्या दिया, वो वही अट्रैक्ट किया, भीड़ इकट्ठा हो जाए, बहुत लोग आए खाएं, मैं भी खाना खाऊं, तो इतने लोग मिल गए। तो ये आज का फिर एक शुभ अंक है, 3, 6, 3 और 6 आजकल बड़े एकदम, हम तो नंबर पे, जब से हम आचार्य जी के साथ जुड़े हैं हम नंबर पे खेलने लगे हैं आजकल, 3 और 6 है ना। तो जब भी 3, 6, 9 देखते हैं तो लगता है 3, 6 को फिर हम 3 और 3 में ये कर देते हैं और 9 आता है तो 3, 3, 3 बोलते हैं। और जैसे मैजिक में कहा गया है कि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन है ना, तो बहुत ऑस्पिशियस है। इसमें अंशु जी, इसमें भी 9 है, 3, 6 का टोटल 9 होता है, 3, 6 का टोटल 9 है। हाँ, अभी आ ही रहे थे, उस पर भी आ रहे थे। तो क्या है, कहते ना कि 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो सच में ये धारणा बैठ गई दिमाग में कि 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन नहीं, इस जर्नी में आने के बाद में बहुत सारी जो मतलब कि क्या बताएंगे, वो बिलीव्स
बिलीफ सिस्टम इतना तगड़ा हो गया, इतना तगड़ा हो गया है कि आप कहते हैं कि अरे यूनिवर्स है ना, देख लेगा, अपना प्यारा फ्रेंड है ना, देख लेगा। तो ये है आज का। चलिए, एक पुराना गाना था ना, आप गा सकते हो, हम तो गा नहीं सकते, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो तीन तिगाड़ा बहुत सुना था, लेकिन अब जब से मालूम चला कि तीन की जो शक्ति है वो अपने आप में कमाल होती है, कमाल तो है। तीन छः नौ बहुत लंबा सब्जेक्ट है, और जैसे तो अभी अंशु जी ने बोला ना कि जीवन में जो चीजें मिल रही है ना, उनको हम सोचते हैं कि हमारी वजह से मिल रही है, लेकिन हो सकता है पता नहीं किसके नसीब की हम वजह से कुछ कर रहे हो। Exactly, आज हम इस कार्यक्रम में हैं, आप इस कार्यक्रम में हो, पता नहीं किसकी दुआ हो, वो चाहता हो आपको देखना, और आप कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, और आप वहां पहुंच जाओ, यही तो सबसे बड़ी कमाल है। जी, यही तो जी, सबसे बड़ा कमाल है कि अगर आप सोच रहे हो, और वही किस्मत है, किस्मत को कहते हैं ना कि आप किस्मत में हो और आपके उसी तरह के लोग मिल जाएंगे और वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। चलिए, exactly. आज का जो जो चैप्टर है, आज का जो कोट है, वो बहुत ही खास है, और बहुत खास है, बहुत खास है। कैन आई रीड? कौन बोल रहे हैं? प्रिया। प्रिया हाँ, जी प्रिया जी पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच। डे 360 जी, जब रीड, एक्सक्यूज मी, जब रीड करेंगे तो दो दो लाइन, देखिए ये बहुत सारा बड़ा पैराग्राफ है, तो उसमें दो लाइन पढ़िएगा, दो सेंटेंस पढ़ के थोड़ा पॉज दीजिएगा, ताकि हम साथ ही साथ कंप्लीट करें उसको, है ना? श्योर। डे 360, गुड डीड्स वेंसडे, एवरी वेंसडे इज योर डे टू फिल योर अकाउंट एट द बैंक ऑफ द यूनिवर्स विथ गुड डीड्स। Give encouragement to those around you. Give kindness. दो मिनट का पॉज दीजिए। तो yes. जैसे कि फ्राइडे को हमने पढ़ा था, ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे, क्योंकि फ्राइडे को हमने पढ़ा तो मंडे को हमने प्रैक्टिस किया गुड थॉट्स। इसको तो अब मतलब अभी हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पढ़े, इतना बोलते रह गए अपने आप से कि गुड थॉट्स, अच्छे विचार। तो मंडे का दिन हमने रख लिया अच्छे विचार के लिए। आज मंगलवार है तो मंगलवार का दिन हमने चुना अप्रिसिएशन का। तो एकदम जहन में बैठ गया है कि मंगलवार आते ही याद रहेगा कि हमें अप्रिशिएट करना, हमें अप्रिशिएट करना है। जैसे याद रहता है कि हनुमान जी की पूजा करनी है, उसी तरह से अप्रिशिएट करना है। तो ये आज का जो हम कल सुबह से हम प्रैक्टिस करेंगे, बुधवार का दिन, गुड डीड्स। डीड्स मतलब जैसी करनी बोलते हैं ना, जो हमारा, हम जो काम कर सकते हैं, जो करनी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो जैसे कि ये बैंक ऑफ यूनिवर्स, हम लोग किस में आता है बैंक ऑफ यूनिवर्स, सबको बड़ा पता है वाला। यहाँ पर बैंक ऑफ यूनिवर्स देखते ही सबको मालूम हो जाता है कि वो जो चैप्टर है मैजिक चैप्टर है। तो मैजिक चेक, बैंक ऑफ यूनिवर्स बोलते ही मैजिक चेक और सिग्नेचर भी द यूनिवर्स करके आ जाता है, बड़ा मजेदार मस्त। तो उसी तरह से ये मैजिक चेक हमारा कब होगा पूरा, जब हमारी करनी अच्छी होगी, जब हमारे डीड्स अच्छे होंगे, जब हमारे डीड्स बैंक ऑफ यूनिवर्स में, हमारे डीड्स, हमारे काम उस तरह से जमा हो जाएंगे, जब हमारा खाता बनेगा वहां पर, और जब हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं उसमें, एक आता है एक जाता है, क्रेडिट है एक डेबिट है, तो ये जब बैलेंस होगा ना, तब जाकर के हमें मैजिक चेक हमारा आराम से पार हो जाएगा, फर्स्ट क्लास मिलेगा, सबको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें अपने गुड डीड्स के साथ में बैंक ऑफ यूनिवर्स को भरना है। तो हम उसको किस किस तरह से कर सकते हैं? कहते हैं कि ये बैंक ऑफ यूनिवर्स में गुड डीड्स हमारी जो करनी है, उसको क्या क्या करने से हमारे यूनिवर्स भरेगा, बैंक ऑफ यूनिवर्स मेरा अकाउंट कैसे भरेगा। अब अपना यहाँ का जो बैंक अकाउंट है, पैसे भरते हैं हम लोग, शेयर वेयर ये वो सब जगह आता है, कहीं ना कहीं से आता है, चेक आता है, रुपए आते हैं, बैंक में जाता है, और हम वहां मजे में हमारा देखते हैं खाता, बड़ा मजा आता है देखने में, इतना अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम अपने यूनिवर्स के बैंक के अकाउंट को, इस हमारा अपना अकाउंट को कैसे हम भरेंगे, कैसे भर भर के हम उसमें डालेंगे, क्या डालेंगे कि हमें हमारा मैजिक चेक उतने जल्दी पास होगा। तो गिव एनकरेजमेंट टू दोज अराउंड यू, इसमें तो हम बोलेंगे कि बस आचार्य जी मुझे इतना एनकरेज किया कि मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ आज। तो इस तरह से जो भी मिले उसको एनकरेज करिए। इस पर भी बहुत सारी छोटी 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 शॉर्ट स्टोरीज है, मैंने बताया था, तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज मैंने सुनाया भी था कि जो भी आसपास है
कोई काम अगर कोई करने को चाह रहा है या कुछ भी करना चाह रहा है उसको एनकरेज करो। और देखिए इसके इस पर मैं बताऊंगी कि इतना एनकरेज किया ये 3-4 दिन से कि आप प्रेयर करवाइए, इतना एनकरेज किया आचार्य जी ने, नहीं आप करा सकते, बहुत बढ़िया कर सकती हैं, तो आज मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ, मैं ही प्रेयर करवाऊंगी, एकदम मैं प्रेयर को अपना पूरा प्रिपेयर होकर के आई, है ना, मैं पूरा मुझे क्या करना है स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं पूरा फुल प्रिपरेशन से, इतना एनकरेजमेंट मिला मुझे और बहुत बढ़िया मैं पूरा एनकरेज मतलब पूरा फुल चार्ज में बैठी हूँ कि आज मैं ही प्रेयर करवाऊंगी, है ना। तो और मेरी बहनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, योगदान होता है, तो वो तो खैर मेरी है ही, है ना। तो गिव काइंडनेस, हम जो देंगे हमें वही मिलेगा, तो हम जब देंगे जो मिलेगा तो हम क्यों ना अच्छा दें, क्यों ना हम अच्छा करें, अच्छा दें। काइंडनेस मतलब कि वो जो बोल रहे हैं यहाँ पे, जो देंगे जो शांति मिलेगी ना वो क्या ही बताएंगे। एक होता है गिफ्ट लेने में बड़ा मजा आता है, अब गिफ्ट दे के देखिए कितना सुकून मिलता है, कितना खुशी मिलता है, कुछ आप दे के देखिए तब देखिए कितना खुशी मिलता है। लेने में लगता है कि अरे इस बार तो ले लिया, अगले बार हमें वापस करना होगा, हमें भी तो कुछ देना होगा, क्या देंगे। लेकिन हम जब देते हैं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ओ वाओ ये है मेरे पास, निकाल के हमने दे दिया, वाओ मजा आ गया। हाँ प्रिया, गिव गुड वर्ड्स टू दोज यू सीक, सॉरी सी एंड स्पीक टू, गिव अ बिगर टिप टुडे, गिव अ गिफ्ट फॉर नो रीजन, ओपन डोर्स फॉर अदर्स। यस, तो इसमें एक मिनट थोड़ा सा पॉज, गिव गुड वर्ड्स टू दोज यू सी एंड स्पीक, तो कहीं भी किसी भी अवस्था में कहीं को भी देख लिया आपने, दो शब्द आप कुछ नहीं, सब लोग एक मिनट रुकिएगा प्लीज अपने आप को बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हैं आप लोग, उससे डिस्टर्बेंस होती है, जो वो बताना चाहती है उनकी लय टूट जाती है, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ और कुछ लोग अपने आप को बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज अपने आप को, या तो आप पूरा म्यूट कर दीजिए ना सबको, अंशु जी आप म्यूट कर दीजिए सबको, जिनको आप अनम्यूट करना चाहती है कर दीजिए। अच्छा म्यूट ऑल कर दें, म्यूट ऑल कर दीजिए, दो बार करोगे ओके, आप भी म्यूट हो गए, आपको तो मैं को होस्ट हूँ, आप उनको कर दीजिए, प्रिया जी को कर दीजिए, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ, उनको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, आप प्रिया जी बार बार अनम्यूट कर रही है अपने आप को, ये क्यों ऐसे हो रहा है, प्रिया जी को करो आप नाउ आई एम ऑडिबल, ओके ओके ओके, सही में थोड़ा सा ना लय टूट जाता है, इस तरह से होता है, फिर वापस में ट्रैक में आना पड़ता है। तो कहीं भी कहीं किसी भी अवस्था में कहीं से किसी से भी मिलते हैं, चाहे कहीं बाहर जाने की बात ही अलग है, घर के अंदर भी, घर में हम जितने लोग हैं, कभी होता है ना सवेरे उठ करके एकदम ऐसे एक दूसरे को देखा, अरे एक बार उठ करके हंस के एक स्माइल ही दे दो, आपस में ही बातें कर लो, जो मेंबर है उसके साथ, घर में कोई आ रहा है सबसे पहले तो भूतबाल आता है, एक स्माइल दो, हेलो बोलो, एक बार पूछ लो और सब बढ़िया, इतना ही पूछो, ही विल बी वेरी हैप्पी। काम वाली बाई आई, चलो लेट हुआ, अगर पीछे उसको देख के लगता ये काम ढंग से नहीं करते, ये नहीं करते, उस छोड़ दो सबको, आते ही हेलो कैसे हो, बढ़िया, गुड मॉर्निंग, बढ़िया, ओके, सब गुड, ऑल गुड, यस ऑल गुड, सब बढ़िया, कुछ भी एक बार बोल के ग्रीट कर लो, उसके बाद में आप शांत हो जाओ, कोई जरूरत नहीं बोलते रहने की, पूरे समय बकार करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, आराम से शांत हो जाओ। लेकिन आते ही किसी को पहली बार देखा, एक हेलो बोलो, एक पूछ लो कि क्या है क्या नहीं है, ओके, तो बहुत 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 कुछ, बहुत जो जिनसे बोले हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी आप में अपने आप ही ट्रांसफर होती है। कैसे होती है, एक बार पहले आप इसको ट्राई करो, फिर यू फील द एनर्जी। मैं बोलूंगी आ जाता है तो ऐसा तो ये नहीं है कि एक कप रखा हुआ चाय का गर्म है, कहेंगे कि गर्म है मत छूना, तो लोग फिर भी छू के देखते हैं कि गर्म सही में है कि ऐसे ही बोल दे रहे कि क्या है, जब तक अपने आप को हाथ जलेगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब गर्म है।
तो इसीलिए कुछ भी एनर्जी आप फील करके देखिए, किसी से बात करके देखिए, किसी को हेलो बोल के देखिए, एक मुस्कुरा के देखिए एंड आप उसका एनर्जी देखिए, लेके देखिए, तब आप पता चलेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ गिविंग गुड डीड्स टू एनीवन. देना क्या होता है इससे पता चलेगा. गिव अ बिगर टिप टुडे. गिव अ बिगर टिप मतलब क्या है? टिप बोलते ही हम लोग को होटल वगैरह याद आ जाती है, हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो लास्ट में किसी को कुछ टिप वगैरह दे के आते. ऐसा नहीं है, कुछ भी, एनीथिंग, एनी अप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ टिप. अप्रिशिएट भी कर दीजिए तो वो भी एक टिप है आपके लिए, किसी को भी, है ना. जो देंगे वही मिलेगा हमें. ओपन डोर्स फॉर अदर्स. ओपन डोर्स फॉर अदर्स मतलब कि कोई आया, हम जाके दरवाजा खोल दिए, ये तो ओपन डोर्स फॉर अदर्स का एकदम ट्रू ट्रांसलेशन ये है, बट ये नहीं है. मायने में ये है कि सबके लिए आप बी, यू हैव टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर एवरीवन. कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबके लिए आप उस तरह से खुले दिल रहिए. ओपन डोर्स फॉर अदर्स मीन्स आप अपने दिल को खोल कर रखिए. दिल को खोल के मतलब कि अब हनुमान जी नहीं है कि छाती को चीर के दिखा दिया राम सीता लक्ष्मण है, है ना, वो चीज नहीं है. ओपन डोर फॉर मतलब सबके लिए अपना दिल को बड़ा करिए. वो आप बड़ा दिल रखिए कि हाँ, सबको आपने एक्सेप्ट किया है, हर अवस्था में हर को आपने एक्सेप्ट किया है. ये इसका मतलब कि व्हाट आई फेल्ट. हाँ प्रिया. बाय कॉफी और लंच फॉर समवन. गिव कॉम्प्लीमेंट्स. Give your smile to everyone. Give your genuine interest to those who serve you in your day. Yes. Buy coffee or lunch for. अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी हम लोग कभी एक बार हम देखें कि कहीं भी travel कर रहे हैं, कुछ भी है, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी काम से है, चाहे घर में ही कोई आया, एक offer करो उसको. Usually क्या होता है, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं, guest आते हैं, उनको ही हम ऑफर करते हैं, पूछते हैं, है ना. अरे कभी कोई आ गया, कोई कुरियर वाला आ गया तो पानी के लिए पूछ लो कम से कम. या फिर अगर कोई घर पे माली आ गया तो उसको एक बार पानी चाय के लिए पूछ लो, नाश्ते के लिए पूछ लो. या राह चलते, ये तो ठीक है, चलो हाँ ये हमारे लिए काम कर रहा है इसके लिए हम पूछेंगे. राह चलते भी एक बार कभी देख लो कि आजू बाजू कोई काम कर रहा है तो अगर वहां में चाय की दुकान है या कोई कोल्ड ड्रिंक की दुकान है तो कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक उठा के दे दो. ये मैंने किया हुआ है. जो बड़ा एकदम लगता था एकदम भरी दोपहर में रोड बना रहे थे, वो बैठ के वो पेवर जो ब्लॉक्स होते हैं वो लगा रहे थे. मेरा बड़ा मन था कि बेचारे इतने मतलब गर्मी में काम कर रहे हैं, इनके लिए चलो कोल्ड ड्रिंक हम लोग खरीद के दे देते हैं. एक पहला दिन देखा तो एक दिन काम खत्म होने वाला नहीं है, पहला दिन देखा तो दुकानें बंद थी, नहीं कर पाए. अगले दिन पर्पसली हम गए वहां, देखें कि दुकान खुली हुई है, हमने दो तीन कोल्ड ड्रिंक के बॉटल लिए, उनको दिया कि भाई रोड बना रहे हो इसको लो पी लो. मम्मी के घर जा रहे थे सुना वहां पी जब शेरपुर में, वहां की बात है. तो वो देखने के लिए कहने लगा, वो तो पहले डर गया कि ये क्या, मुझे कौन ये ऐसा ऑफर कर दे रहा है. मैंने कहा भैया ये लो पियो इसको, इतनी गर्मी है, तुम काम कर रहे हो, ये लो, कोई बात नहीं है, पियो इसको. वो इतना खुश हो गया कि वो कितने लोगों को बताया, वो हमारे देखते देखते हम तो आगे निकल गए. लेकिन ये तो ना कि इंसान का जो नेचर होता है, ह्यूमन टेंडेंसी, बार बार पीछे पलट के देख रहे थे कि वो कर क्या रहा है, वो कर क्या रहा है. वो अपने और चार पांच इकट्ठा हो गए जो आते जाते सबको बताया, कह रहे वह क्या बताया, तो दिन बन गया. वो मैडम जा रही थी, चार पांच बॉटल खरीद करके दे दी, कोल्ड ड्रिंक का दे दी, वाह तो दिन बन गया. इतना खुश हो गया वो. ये बहुत पहले की बात है, मतलब हो गया एक कोरोना के पहले की बात. तब तक हमें मालूम नहीं था कि अच्छा ये सब भी काम मतलब ऐसे ये बुक में है, हम पढ़ेंगे इसको करेंगे. बट वी शुड डू ऑल दिस, गिव कॉम्प्लीमेंट्स. कोई कुछ भी हमारे लिए करता है तो उसके लिए एक बार दो शब्द कोई भी हो, कुछ भी हो करता है, चाहे नहीं भी करे तो कम से कम बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट. कभी कभी याद करके उसको एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दो, अरे उस दिन उस वक्त उसने क्या था काम, वाओ कितना बढ़िया किया था. जो भी हो हमारे आजू बाजू, हम क्योंकि हम इंसान है ना, हम बोलते हैं कि हम क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं और ऐसे हमारे जैसे बहुत लोगों से मिलके ये हमारा समाज बना है. तो हम हर दिन बहुत लोगों से हम टकराते हैं, बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, है ना. तो किसी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए. यस वाओ. Should I read? Give your smile to everyone. अभी पहले मैंने सेशन के पहले बताया, एक स्माइल दे दीजिए कम से कम. सुबह उठते एक प्यारा सा स्माइल लेके रूम से बाहर निकलो, उसका दिन ही बन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है कि
किसी के चेहरे पे स्माइल देख के ऑटोमेटिक स्माइल आता है, किसी को हंसता हुआ देख के खुद हमको हंसी आ जाती है, अरे ये कोई भी हंस रहा हो वहां पर, चार लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, तो आप देखना ऑटोमेटिक आपके मुंह पे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपको भी हंसी आ जाएगी. गिव योर जेन्युइन इंटरेस्ट टू दोज हु सर्व यू इन योर डे. गिव योर जेन्युइन इंटरेस्ट मतलब कि एकदम इसको तो सच में ये आप करके देखो, ये जो प्रैक्टिसेस बताए हैं आप इसको करके देखो, कितना फील से करो उतना आपको मिलेगा. हाँ लेकिन हाँ, अगर नहीं भी आ रहा है तो पहले इसको स्टार्ट करो, स्टार्ट करो. जब स्टार्ट करते समय कोई गाड़ी बहुत दिन रख दो ना तो क्या होता है कि वो एकदम स्टार्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है, किक मारना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी दौड़ा के स्टार्ट करना पड़ता है. सब तरह का हम लोग कर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं. तो क्या करना है कि आप पहले स्टार्ट करो, किक स्टार्ट करो. किक स्टार्ट मतलब कि वो किक मारते मारते आदत बन जाएगी और गाड़ी अपने आप ही एक्सीलेटर पकड़ लेगा, बटन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये सारी आदतें जो आप उसको एक बार आजमा के देखो और इसको अपने लाइफ में ले आओ इसको, है ना. गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू दोस क्लोज टू यू. यस. एक सेकेंड. Give your undivided attention to those close to you. जो हमारे करीबी हैं, जो हमारे बहुत ही करीबी हैं, हमारे करीब बहुत करीबी हो तो हम देते, जो हमारे करीब में है, जो हमारे आजू बाजू हैं, undivided attention मतलब कि जो भी है उनको थोड़ा सा attention दो. Attention देने का मतलब है कि आप बार बार हर हर क्षण हर घड़ी हर घंटे पूछने की जरूरत है, ठीक है आप अच्छे हो ये वो करके, लेकिन एक ध्यान दो कि क्या है क्या नहीं, और वो अपने एक्शन से पता चल जाएगा कि वो हमें ध्यान दे रहा है, हमारे पे नजर रखा हुआ, हमारी एक्शन से पता चल जाएगा, हमें अलग से मुंह खोल के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. हाँ. गिव काइंडनेस टू अदर ड्राइवर्स. गिव योर सीट एंड स्टैंड सो दैट अदर्स मे सिट. ये हमारे बचपन में बहुत होता था लेकिन आज हम नहीं देख रहे हैं. आजकल लोग ऐसे यंगस्टर्स ऐसे बैठे पड़े रहते हैं, वो हिलना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारे बचपन में ये हमने देखा और हम करते भी थे. ये जिस किसी उस समय तो इतने सारे कम्यूट का तो एक ही होता था, पब्लिक बसेस होते थे और प्राइवेट बसेस. ये ऑटो में तो हम लोग बहुत बाद में चढ़ने लगे, पहले तो बस में ही आना जाना होता था, ट्रैवलिंग होती थी, तो जो लेडीज आती थी तो जेंट्स अपने आप खड़े होते थे, उनको सीट दे देते थे बैठने, जो बच्चे होते थे बच्चे खड़े हो जाते थे, बड़े बुजुर्ग को बैठने दे देते थे. तो ये सारे ना हमें बचपन से पता नहीं सिखाया है कि हम देखते देखते सीख के बड़े हो गए हैं कि क्या है मालूम नहीं है, लेकिन आजकल हमें उसको देना पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा, ये वैल्यूज हमें देने पड़ेंगे बच्चों में. आज के ये जो अभी की जो युवा पीढ़ी है, अब जो ऑलरेडी परिपक्व हो गए हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अभी से ये सब चीज आदतें डालनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है. इसीलिए रोंडा बन हमेशा अपने मैजिक बुक के लास्ट में कही है कि ये जो हम ग्रेटिट्यूड है ये पहले अपने स्कूल में अप्रोच करें, बच्चों से अप्रोच करें, तो आगे का जनरेशन अपने आप ही बहुत बढ़िया जाएगा. हम तो आए हैं, हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करके अपने तक ही सीमित ना हो और ये सारे प्रैक्टिसेस को बच्चों में शुरू करवाएं, इसको स्कूल कॉलेज को स्कूल्स को हम एटलीस्ट ये करें और छोटे छोटे बच्चों को करें, तो ये जब बड़े होंगे तो ये सारी अपने आप ही आदतें अपने अपने आप में फ्लो जैसे नदी बहती है ना, जैसे बहना चाहिए पूरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास ऑन होना है वाला, है ना. हाँ. लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू डू गुड डीड्स एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल फ्लड योर गुड डीड्स व्हेन स्टे विद एन अबंडेंस ऑफ देम. तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू डू गुड डीड्स, हमेशा हम लोग जैसे कि एक चैप्टर में ना कि मैजिकल क्यू था, बोला क्यू में हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ता था, व्हाट इज द क्यू करके. तो हमको अवेयरनेस में रहना है, अलर्ट होना है और हमेशा हम अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि हम कैसे कैसे किसी के लिए अच्छा करें, कैसे सबके लिए भला सोचे, सबका भला सोचे, सबके लिए कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कितनी मदद कर सकते हैं और कितने अच्छे काम हम कर सकते हैं. तो ये अच्छा का कोई मापदंड नहीं है, ये अच्छा तो अच्छा है, बुरा तो बुरा है. वो अच्छा बहुत बड़ा होगा तो अच्छा होगा, छोटा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, कोई मापदंड नहीं है.
मेरे लिए कोई अगर प्यासा है, एक ग्लास पानी दिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी का कोई सामान गिर गया और हम उठा करके दे दी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट गुड डीड। किसी को हमने अब बैठे, हम सबको बैठे में कोई रूम में एंटर किया है, तो अब कौन खड़ा होगा, अपना चेयर देगा। अगर हम खड़े हो गए और बैठने के लिए सीट दे दिए, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए यही अच्छा है। कोई गिर गया, फट से आकर के उठाए के मलम पट्टी कर दिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कोई काम कर रहा है और उसकी मदद कर दिए उस काम में, कोई झाड़ू लगा रहा है या कोई कुछ, जो मेरे से बन पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉट आई डू, मेरी काम वाली बाई आती है, मेरी हाउस हेल्प आती है मेरे घर पे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम सारे बर्तन भले धो ना धो, मैं तो कोशिश करती हूँ कि सारे धो के रख दूं। वो जब आएगी, जितने पड़ेंगे वो धो करके चली जाएगी। और अगर बहुत, अगर इसमें रहता है, अगर मेरा काम बहुत ज्यादा है, अगर मेरा बहुत ऑर्डर्स रह गए हैं, निकालना है सब है, तो कम से कम कोशिश तो ये रहता है कि खाना खाया हुआ थाली प्लेट ग्लास चम्मच कम से कम ये तो धो के रख ले, चाय का कप या कॉफी का ग्लास जो भी है उसको कम से कम धो के रख ले। ये हमारे बचपन से हमारे घर में था और ये हमारे आदत में बन गया है। तो जो काम वाली बेचारी चार पांच घर में काम करती है, तो उसको इतना इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाती क्योंकि उतना करने का समय नहीं, फिर अपना भी काम बहुत ज्यादा है। मैं वो काम फटाफट करती रहती हूँ, खाना बनाते रहती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं अपना बता रही हूँ। जैसे कि वो, उसको थोड़ा हेल्प मिल जाता है तो वो और मेरे लिए, माँ छोड़ दो मैं ये कर दूंगी, माँ तुम छोड़ दो मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी, मैं कर दूंगी, हमेशा यही उसके मुंह से निकलता है। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो मैं कर लूंगी, तुम छोड़ दो मैं कर। तो अगर आप किसी के लिए थोड़ा भी अगर आप करते हैं ना, तो वो आपके लिए आगे से आगे खड़ा रहता है एकदम, कि मैं क्या ना कर दूं तुम्हारे लिए। और इस तरह से आप करोगे, याद रखना ये तो एक वेडनेसडे का एक प्रैक्टिस है, मंडे का एक प्रैक्टिस है, ट्यूजडे का एक प्रैक्टिस है। कहने का मतलब है कि मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरह से प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा कि आपकी आदत बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी और ये सारे आपकी दिनचर्या में रहेंगे, ये सारे आदतें हर दिन रहेंगे, ये सारी आदतें। और बहुत मतलब कि अप्रिशिएट करना, आप कोई जरूरी नहीं कि मंगलवार आएगा तो ही हम अप्रिशिएट करेंगे, तब तक हम बैठे रहेंगे, नहीं। ये तो आदत डालने के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बोली है। जब आदत हो जाएगी तो ये अपने आप में इनहेरेंट हो जाएगा, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। और जब देखेंगे अप्रिसिएशन निकलेगा, जब किसी को मदद करने में हम आगे रहेंगे, किसी के लिए कुछ काम करने के लिए आगे रहेंगे हम, और इस तरह से जो हम देंगे वो हमें भर भर के मिलेगा। As you give all your good deeds on Wednesdays, the universe will respond. Yes, the universe respond करता है, हर चीज को respond करता है universe, अच्छा बुरा सब। And it will become the best day of your week by far. एक दिन अच्छा कहते ना कि एक घंटा अच्छा हुआ तो एक पूरा वो दिन अच्छा हो जाता है, एक दिन अच्छा हुआ तो एक सप्ताह अच्छा हुआ, एक सप्ताह अच्छा हुआ तो महीना, महीना हुआ तो साल। ये हमारे आदतें हैं जो इसको हम पहले प्रैक्टिस के लिए बोलिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, अदरवाइज ये तो प्रैक्टिस करते 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 हमारी तो पूरे इसमें चला गया कि यस हम इसको कर ले। तो आचार्य जी आज तो कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम एक और चैप्टर लेकर के प्रेयर करवाएं। मेरे को लगता है क्योंकि अभी ये वेडनेसडे का चल रहा है तो कल वेडनेसडे है जी, तर ये रहेगा कि आज वेडनेसडे यहीं तक कर लेते हैं, फिर कल डिस्कस कर लेंगे। तो आप आराम से अपना मेडिटेशन करवा लो और फिर कुछ लोग बात करना चाहते हैं तो उनसे बात कर लेंगे जी। ओके, जैसे अभी अंशु जी ने आप लोगों को बताया, देखिए एक बात समझिएगा छोटी सी, कि आपको किसी व्यक्ति को पैसा दिया तो कई बार क्या होता है, एक सोच होती है कि कुली को हमने लिया और हम चार बैग लेके चल रहे थे, लेकिन अब हमने कुली कर लिया तो चारों बैग उसको ही दे दिए। अगर एक छोटा सा बैग लेके चल सकते हैं तो आपके लिए जो वजन है ना, कहते हैं ना ऊंट एक तिनके से बैठ जाता है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो। तो हमारी जो सोच है, अगर आपके घर में कोई आपको स्टाफ मेंबर है तो उसका भी हो सकता है, अगर आपका फुल टाइम का है और आपको रात को 12-1 बजे आ रहे हो और वो सोया हुआ, उसको बोलो खाना बना दो, ये कर दो, गर्म खाना दो, तो ये थोड़ा सा रहता है। लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं फिर उनकी वो बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर तीन लोगों के घर में वो काम करती होंगी ना, तो अगर उसको दो जगह पे छुट्टी करना होगा तो अंशु जी के यहाँ से छुट्टी नहीं करेंगी, वो कहेंगी मैं बाकी जगह जाऊं ना जाऊं, दीदी आप मत बोलना किसी को, मैं आपके पास आ रही हूं। तो ये क्यों होगा, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ कर रही है। और देखिए हम योगा करते हैं, अपने हाथ पैरों को हिलाते हैं, अब लेडीज का जो है शुरू से ये रहता है, भाई काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं,
कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, तो ये हैबिट होती है, चलो इधर मैंने कुछ रख दिया, इधर कर दिया, तो मल्टीटास्किंग में कई चीजें कर लेते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन गहरी चीजें हैं, तो ये आपको लगातार इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आज अंशु जी ने हमारी रिक्वेस्ट पर ध्यान करवा रही है, और ध्यान देखिए एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि जिस सम प्रैक्टिस के अंदर है ना, इसमें नेक्स्ट लेवल जो है वो ध्यान ही है। तो आप आराम से ध्यान कीजिए, उसके बाद में करवाइए, और उसके बाद में हम लोग जो है कुछ लोगों की शेयरिंग ले लेंगे, छोटी छोटी शेयरिंग लेंगे। प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट का ध्यान रखेंगे। और अंशु जी पहले भी शायद आप करवा चुकी है मेडिटेशन, तो नहीं ये पहली बार करवाऊंगी आचार्य जी। शानदार रहेगी, शानदार होगा। आप लोगों ने बहुत मोटिवेट कर दिया मुझे। नहीं नहीं शानदार होगा, बेफिक्र रहिए, बहुत बढ़िया रहेगा, चलिए करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो वापस से हम आते हैं अपने ध्यान मुद्रा में, और ध्यान बोलते ही ध्यान नहीं लगेगा, इसके लिए पहले अपना माहौल बनाना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा इसके लिए। तो कृपया सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आते हैं और सेशंस लेते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छे से शेयरिंग, अच्छी अच्छी शेयरिंग देते हैं। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो कृपया आप सभी आरामदायक मुद्रा में बैठें, बहुत आराम से एकदम रिलैक्स होकर के बैठें। अपने आप को सहज बनाएं ताकि आप ध्यान केंद्रित कर सकें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अपने सिर, गर्दन और पीठ को एक सीधी रेखा में रखते हुए सीधे बैठें। अपने सिर, गर्दन और पीठ को एक सीधी रेखा में रखते हुए सीधे होके बैठें। बहुत रिलैक्स होकर के बैठें और अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। कुछ गहरी सांसें लें और शांत हो जाएं। प्रत्येक सांस के साथ शांति की सांस लें और अपनी सारी चिंताओं को बाहर निकालें। आइए एक गहरी सांस लें और छोड़ें और शरीर को शांतिपूर्ण स्थिति में आने दें। कल्पना करें कि आप अपनी पसंदीदा जगह पर बैठे हैं और पीछे आपका पसंदीदा संगीत चल रहा है। आप प्रसन्न अवस्था में हैं। आज सुबह से हुई सभी सुखद घटनाओं, चीजों का त्वरित अवलोकन करें। जब मन प्रसन्न होता है तो वह कृतज्ञता से भरा होता है। आइए अब इस अद्भुत दिन के लिए आभारी रहें। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता से भरे दिन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। आज मैंने जीवन में घटी सर्वोत्तम घटनाओं को चुनने के लिए धन्यवाद। मैं जिस ताजी हवा में सांस ले सकी उसके लिए धन्यवाद। मेरे द्वारा खाए गए पौष्टिक भोजन के लिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उस पानी के लिए धन्यवाद जिसने मुझे ऊर्जा से भर दिया। उस ऊर्जा के लिए धन्यवाद जिसने मुझे सभी कार्य पूरा करने में मदद की। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे संबंधों के लिए धन्यवाद जिन्होंने मुझे उत्साहित किया
प्रेरित किया कि मैं यहाँ पर मेडिटेशन करवाऊ, प्रार्थना करवाऊ। सभी मेंटर्स का धन्यवाद, इस जर्नी में आए सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद। प्रभु आपने हम सब में ये सद्बुद्धि दी कि हम यहाँ बैठे और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखें और यहाँ से सबको आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी संबंधियों का धन्यवाद। प्रभु मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना समय अपनी पसंदीदा चीजें करने में बिताया। प्रभु आप मुझे जो कुछ भी प्रचुर मात्रा में देते हैं उसके लिए धन्यवाद, और उसके कारण मैं खुद से, अपने जीवन से और अपने आसपास की हर चीज से प्यार करती हूँ। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर रात मुझे मिलने वाली शांतिपूर्ण नींद के लिए धन्यवाद, जो एक आनंदमय दिन के अंत में मेरे दिन को नए सिरे से शुरू करने के लिए बहुत खुशी लाती है। प्रभु उस नींद का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे प्रचुर मात्रा में दी है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब आप अपने हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। और अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, सुपर मेडिटेशन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रेयर करवाई आपने। वाओ, थैंक यू, थैंक यू अंशु जो, थैंक यू सो मच। अभी जो बारे में बोले हैं तो इस पर एक छोटी सी हमारी जगन्नाथ संस्कृति से एक छोटा सा प्रसंग है जगन्नाथ संस्कृति का, और इसको बोल करके मैं आचार्य जी को बोलने के लिए बोलूंगी। तो ये एक जो नींद के लिए जो हम धन्यवाद दिए हैं आज अभी, तो इस पर हमें एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा प्रसंग है। कहते हैं कि हमारे प्रभु जगन्नाथ के सिर्फ आंखें हैं, उनकी पलक नहीं है। आप एक बार आप इसको विजुअलाइज करिए, आपकी पलकें नहीं है, पलक नहीं है, तो आपकी आंखें बंद नहीं होंगी, और जब आपकी आंखें बंद नहीं होंगी तो आपको नींद नहीं आएगी। आपको सोने के लिए आपके अपने आंखों को बंद करना पड़ता है, और हमारे प्रभु के पलकें नहीं है, हमेशा उनकी आंखें खुली रहती हैं, और बोलते हैं ना कि चाका डोला, एकदम गोल गोल उनकी आंखें हैं। तो इसमें हमारी जगन्नाथ संस्कृति में ये मान्यता है कि रात में जब हम, और उनका पूरा 56 भोग और पूरा दिन में 5 बार भोग, वो बहुत प्रेमी हैं, खाने के प्रेमी हैं हमारे प्रभु, तो पूरी रात वो मतलब जगे ही रह जाएंगे। रात को सोने के पहले मंदिर में आरती होती है, और जो हमारे पंडा हैं वो क्या करते हैं कि वहां से निद्रा देवी को बाहर लेकर के आते हैं। निद्रा देवी एक है वहां पर, उनके शयन कक्ष में रहती हैं, उनको पंडा बाहर लेकर आते हैं। रात में वो जो उनका मंडप है, मंडप में भजन होता है, गायन होता है, और उनकी मतलब भजन क्या है, उनका प्रेज होता है। ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आप तो जगत के नाथ हैं, मतलब इस तरह से करते हैं। और निद्रा देवी जितने लोग भजन करते हैं सबसे वो अपना आंचल फैला करके वो सबकी नींद में से थोड़ा थोड़ा देती हैं प्रभु को, सभी भक्त जनों से थोड़ा थोड़ा लेती हैं अपनी आंचल में, जितने भक्तगण होते हैं। और रात को 11:30 बजे की जो आरती होती है, मतलब अद्भुत देखने लायक होती है वहां पर हमारे मंदिर में। सबसे थोड़ा थोड़ा नींद लेती हैं, लेकर के उसको समेटती हैं, और फिर अंदर जाकर के कहती हैं प्रभु जगन्नाथ को कि हमारी निद्रा में से थोड़ा थोड़ा अंश देख देती हैं कि भक्त निद्रा लेकर आई हूं, आप अभी सो जाइए।
और सिर्फ कहते हैं ये मान्यता है कि 2 घंटे भगवान सोते हैं सिर्फ, क्योंकि फिर से उनका अपना दिनचर्या शुरू हो जाता है। और जो दिनचर्या जो शुरू होता है वापस, जिस तरह से एक इंसान सुबह उठ के ब्रश करता है, मतलब आईना कंघी वगैरह जो भी होता है, नहाना धोना, एवरीथिंग वैसे ही किया जाता है उनका, उनकी सेवा ऐसे ही चलती है। तो कहने का है कि नींद उतनी जरूरी है, नींद का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे प्रभु से पूछिए, प्रभु बताएंगे, क्योंकि उनकी पलके नहीं है। और निद्रा देवी सबसे, तो आज से आप ये करिए कि जिसको नींद अच्छी आती है तो ये सोचिए कि भगवान मेरी नींद में से कुछ आप अपने पास लीजिए, हमारे जगन्नाथ भगवान को दीजिए, क्योंकि उनकी पलके नहीं है, उनको नींद आना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा 24/7 यूं अपने आंखें खोल के देखते रहते हैं, सबको देखते हैं और भर भर के आशीर्वाद देते हैं। कल बाहुड़ा यात्रा है और सभी को जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इतनी सीक्रेट टॉक्स बताई, वाओ, थैंक यू सो मच। जी आचार्य जी, अब हम लोग शेयरिंग लेते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया, आपका आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा और डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छे से और बहुत लंबे ध्यान करवा पाएंगी। और जैसा अभी बताया आपने, देखिए हर जानकारी कहीं ना कहीं आपके लिए रहते हैं, कहते हैं ना, कई बार हमारे को क्या होता है कि हम लोग यही शिकायत करते हैं कि रात बहुत छोटी थी, अरे रात को हम 12 बजे आए थे, फिर 1 बजे तो ऐसे ही बैठे रहे, फिर हम रात को सोए कब, पता नहीं, बहुत ज्यादा, हम तो 4 बजे उठ गए थे। लेकिन कहते हैं कि एक बार पूरी रात जाग के देखिए, पूरा जागरण करके देखिए, तब आपको चलेगा रात कितनी लंबी है। कहते हैं ना, जागे हुए के लिए रात लंबी है, और जो सफर से होके आया है उसके लिए किलोमीटर, हजारों किलोमीटर होके आ जाएगा, लेकिन फ्रिज तक पानी भी लेने जाना होगा तो नहीं जा पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई बाहर से आए तो उसको पानी जरूर पूछ लीजिए, चाहे वो आपका पति हो, बेटा हो, कोई कोरियर वाला है। और आजकल तो आप मौसम देखिए, दिल्ली के अंदर बरसात हो जाती है और उसके बाद फिर धूप निकल आती है, तो कई बार तो ऐसे लगता है कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो कुछ, मतलब हालत खराब हो जाएगी अगर आपके पास ना हो कुछ समय के लिए पानी। और आप घर के अंदर बैठे हो और उसका वो काम है, वो बाइक के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कैसे इधर उधर जा रहा है, तो ये छोटे छोटे एक्ट, जैसे अभी अंशु जी ने बताया कि उन्होंने किसी को पेप्सी पिला दिया, किसी को कर दिया, अभी छाते वाला जो था, चाहे हो सकता है वो छाता यूज ना करे, लेकिन उसके अंदर एक एक भावना हमेशा रहेगी कि हजारों लोग मुझे दुत्कारते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने मेरे दर्द को महसूस किया, और वो एहसास उसको जीने के लिए और संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको हमेशा प्रेरित करेगा। अगर यहाँ पे 600 लोग भी होंगे, उसमें से 6 लोग भी मेरे को अगर अप्रिशिएट करेंगे, तो मुझे लगेगा चलो मुझे कोई तो सुन रहा है, कोई तो मेरी बात मान रहा है। जैसे ही मैंने बोला कि आप अनम्यूट मत कीजिएगा, आप लोगों ने बिल्कुल म्यूट नहीं किया, तो लगता है कि चलो इतना सम्मान देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो तैयारी करता है, उसको कोई कहानी होती है, कुछ होता है, जैसे ही आप कुछ बात करते हो और ये रिकॉर्डिंग जाएगी, हमेशा रिकॉर्डिंग रहेगी, तो आपको अपना जो है बेस्ट देने की कोशिश करनी है। जब आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। अभी जगन्नाथ की कहानी को आप 500 बार पढ़ोगे और आप उसको शायद ना समझ पाओ जो उन्होंने आंखों वाली बात बताई, और आप किसी को बताओगे, हो सकता है वो 3 बार होके आया हो लेकिन उसको ये बात ना मालूम हो। और जगन्नाथ का तो आपको मालूम है ना, वहां का तो अपने आप में चमत्कार है, कैसे वहां पे रसोई में खाना बनता है, कितने लाख लोगों के लिए बनता है, सबको मिलता है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता, और झंडा जो है जिस हवा में जिस तरफ की डायरेक्शन होती है उसी उल्टी दिशा में वो जो है ऑपोजिट चलता है। और जैसा कहा, वो जब भूआ के घर जाते हैं और वो सब रहता है, जब रथ को जो है जो वो चलता है जब उनका, और जब रथ को खींचा जाता है और वो लकड़ी का स्पेशली होता है, उसके कारीग बहुत लंबी लंबी है, और जो इन्होंने बात बताई ना, ये एक ऐसा है कि सोचिए आज आपको इन्होंने एक ग्रेटिट्यूड का, मैं निश्चित तौर पे बोल सकता हूँ इस ग्रुप के अंदर, अगर किसी ने पहले किया है तो मुझे जरूर चैट के अंदर बताएं कि उसने अभी कभी अपनी पलकों के लिए धन्यवाद दिया, कभी पलकों के लिए कृतज्ञता की। मैं आज आपके साथ एक वीडियो करूंगा, आपको तो मालूम है ना। तो होता क्या है, आपको जो मिला है ना उसकी कदर नहीं होती। जब तक बाल सर पे होते हैं ना,
चिंता ही नहीं होती, इतने बाल हैं, दो चार टूट रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो टूटते टूटते जब सामने से कुछ दिखाई देता है और बच्चे बोलते हैं पापा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बेटा पैसा आ रहा है कोई बात नहीं, वो कहते हैं पापा पैसा भी आया लेकिन बाल भी रहने चाहिए। फिर जब जाते हैं और पूछते हैं बाल लगवाने के 5.5 लाख रुपया खर्चा होगा और उसके बाद आप धूप में नहीं जा सकते, बरसात में नहीं जा सकते, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, तो हम कहते हैं हे ईश्वर तेरी बहुत कृपा है। दांतों को आप देख लीजिए, दांत कितना रहता है। बाहर बाहर की चीजें मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो जो अंदर की किडनी लीवर वो तो आप छोड़ ही दीजिए, आप केवल दांत अपने बाल। और हम कई बार रात को तेल लगाना होता है ना, हम बोलते हैं तेल लगवा लो, अच्छा कल लगवा लूंगा, अच्छा परसों लगवा लूंगा। कई लोग तो नहाने भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं ढक से और ढक से बाहर आ जाते हैं कि भैया अपने साबुन से धो लो, उसमें छिद्र जो है वो खुल जाएंगे और वो चीजें हो जाएंगी। लेकिन नहीं, तो अपनी पलकों के लिए बहुत ज्यादा आप ये कृतज्ञता कीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी अंतर यात्रा तभी शुरू होती है जब अपनी आप आंखें बंद करते हैं, भारत की यात्रा से अंदर की तरफ अपने आप को मोड़ते हैं। और उसको मोड़ने का तरीका क्या है, देखिए कान के ऊपर जो है उंगली ही लगानी पड़ेगी तभी बंद होते हैं, लेकिन आंखें जो है ना, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो 80% हमारा देखना निकालता है। तो कुदरत ने कहा है एक तो अपने आप को चेंज कर लो, हमारी सीमित रहता है कि ये नहीं है कि आप सब कुछ देख पा रहे हो, दीवार के उस पार नहीं देख पाते, पर्दे के उस पार नहीं देख पाते। कई लोग ऐसे हैं जो देख पाते हैं और हम कहते हैं वाओ आपके अंदर ये है, लेकिन उनका दुख समझिए जो ये देख पा रहे हैं, उनका वो दुख है। आज आप अपने कमरे में गए और आपने आंखें बंद की और आप सो गए। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनको आंखें बंद करने के बाद भी रोशनी दिखाई देती है। तो इसलिए बहुत कृतज्ञता कीजिए, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। ये भौहों से लेकर पलकों तक अपने चेहरे को हमेशा बालों से शुरू कीजिए और करते जाइए, बहुत कुछ आपको ईश्वर ने दिया है। और बहुत ही अच्छा रहा आपका साथ लगातार मंडे टू ट्यूसडे का सफर, और अच्छा लगा, और ध्यान के अंदर आप जरूर अच्छा करेंगे। चलिए बहुत अच्छा है, शुक्रिया दिल से, शुक्रिया शुक्रिया।